बीजापुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां आवापल्ली ब्लॉक के चिंताकोंटा कन्या पूटा कैबिन में भीषण आग लग गई। आग जिस समय लगी उस समय 350 छात्राएं पूटा कैबिन में सो रही थी। आनन फानन में सभी छात्राओं का रेस्क्यू किया गया, लेकिन आग ने लिप्सा नाम की छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा पोटा कैबिन जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो आग है ये बाहर एक बोर था, उससे जो है कुछ बोर के तार और वो उसका जो है स्टार्टर जो है एक पहले कमरे में था, जिसमें बच्चे नहीं रहते, वो एक स्टाफ रूम कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होता था, वहाँ से लगा होगा। लेकिन इसको विस्तृत तौर जानकारी जो है अभी एफएसएल टीम आ रही है, रवाना हो चुकी, वो इसका और निर्णय करके बताएगी। उसके बाद इन्होंने सभी बच्चों को वहाँ से निकाला। सर हम ये देखते हैं कि आप अभी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बड़ी भयावह स्थिति दिखती है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन उसको रोका गया। बच्चे लोग चले जा।